कांग्रेस के नेता राहुल गांधी एक तरफ रामलीला मैदान से देश को जलाने की धमकी देते हैं और उसके बाद जिस तरह वह वायनाड में जाकर पीएफआई का समर्थन करने वाली आतंकी गतिविधियों का समर्थन करने वाली एसडीपीआई का चुनावी समर्थन लेते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर उनसे सवाल बनता है कि जो मोहब्बत की दुकान खोलने का ऐलान करते हैं वो बारंबार आतंकवाद अलगाववाद से मोहब्बत का पैगाम क्यों भेज रहे हैं। उन्हें जो है एसडीपीआई जैसे आतंकवादियों का समर्थन करने वाले संगठन से वायनाड में समर्थन लेने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। श्रीमान राहुल गांधी की पार्टी कर्नाटक में एसडीपीआई को प्रतिबंधित करने का पाखंड करती है और दूसरी तरफ वही केरल में जाकर आतंकवादियों के समर्थन से चुनाव लड़ते हैं। ये पहले भी कांग्रेस पार्टी केरल की विधानसभा में बाकायदा कोयंबटूर बमकांड के सजायाफ्ता मुजरिम अब्दुल नासिर मदनी के समर्थन में सर्वसम्मत से प्रस्ताव करने का पाप कर चुकी है। केरल की विधानसभा में जिस तरह से कोयंबटूर बमकांड के सजायाफ्ता के समर्थन में प्रस्ताव पारित होकर देश विघातक कार्रवाइयां करने वालों का समर्थन किया गया था, उसी का एक्सटेंशन अब वायनाड में एसडीपीआई से समर्थन लेकर यह सिद्ध हुआ है कि कांग्रेस पार्टी का आतंकवादियों से मोहब्बत का पैगाम लगातार जारी है।